हेलो बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है मैं दिनेश कुमार आपको हम पढ़ा रहे थे कि दो चरों वाले लैखिक समीकरण युग जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो इसमें हमने दो एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लिया उसमें दो मेथड को सीखा एक ग्राफीय भी से समीकरण को हल करना दूसरा जो सीखा वो प्रतिस्थापन भी से हल करना तो आ जाइए तीसरी एक्सरसाइज सीखते हैं उसमें कैसे सॉल्व होता है केवल इसमें तीन एक्सरसाइज है तीनों एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए और तीनों एक्सरसाइज में कि तीनों का मेथड सीख लीजिए आप इसके बाद कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन रटने की मेथड आ गया तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं तो आज हमें कौन सा मेथड सीखना है बिलोपन विधि से हल यानी ये बिलोपन विधि क्या होता है इसको समझते हैं इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने सीखते हैं आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और सॉल्व करते हैं देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है विलोपन विधि क्या है विलोपन का मतलब एक को विलुप्त करना कैसे जैसे x और y लिखा हुआ है तो इसमें दो समीकरण मिलेगा उसमें क्या करेंगे उसके जो x y के गुणांक हो उसको समान करके x या y को विलुप्त करके फिर हम मान ज्ञात करते हैं बस यही मतलब है अब विलुप्त कैसे करेंगे वही सीख लेते हैं बस हमारा आंसर आ जाएगा चलिए हम क्वेश्चन को, को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कह कर निम्न समीकरण के युग को विलोपन विधि और कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है तो आपको दोनों विधियों से हल करना है लेकिन बट हम क्या करें एक ही विधि बताएंगे दूसरी विधि आप लगा लेना क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको बता ही चुके हैं पीछे अब फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे टाइम वेस्ट होगा तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते हम आपको नया चीज़ सिखाना चाहते हैं नए चीज़ को सीखो जो नहीं सीखे वो पुरानी वीडियो आपके पास पढ़िए जितना मर्जी के रिवाइज करके आप देख सकते हो और सीख लोगे तो चलिए हम विलोपन विधि को सीखते हैं विलोपन विधि है क्या और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है इसमें पढ़ना है विलोपन विधि से किससे पढ़ना है विलोपन विधि हमें सीखना है विलोपन विधि और विलोपन विधि से क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल कितना फाइव लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा आप जैसे पीछे मानते इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें क्या करना है विलोपन विधि से सॉल्व करना है अब विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है सबसे पहले क्या करना है एक्स और वाई को देखिए यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे एक्स है दोनों जगह यक्स है अगर हम बात करें इसके गुड़े में कितना है दो है और इसके वाई के गुड़े में तीन है यहाँ गुड़े में कुछ भी नहीं है और यहाँ गुड़े में कुछ भी नहीं है अब ऐसा क्या कर दें हमें एक पद को विलुप्त करना चाहे यक्ष को और वाई को अब घटाने पे घट या जोड़ने पर ये पद क्या विलुप्त हो जाते हैं लेकिन कैसे विलुप्त हो गए सबसे पहले उनको हम क्या करते बराबर करते हैं तो देखो अगर यहां पे टू यक्स है अगर इसमें दो से गुड़ा करा दो यक्स क्या हो जाए बराबर हो जाएगा सही है ना कि अगर हम दो से गुड़ा करा दें तो यही लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुड़ा जब दो से गुणा कर दो टू यक्स ये भी तो हो जाएगा हमने यक्स को बराबर किया यदि वाई को बराबर करना चाहो तो क्या करोगे इसको देखो तीन है यहाँ पर इसके तीन से गुणा करा दोगे दोनों पक्षों में होगा हमेशा याद रखना जो प्रोसेस अप्लाई करना लेफ्ट तो और राइट दोनों में अप्लाई करना जब इसमें लेफ्ट और तो राइट में अप्लाई करेंगे तीन को बराबर चाहेंगे तो वाई को तो तीन से गुणा करा दोगे दोनों बराबर हो जाएगा इसके बाद अगर चिन्ह समान मिलेंगे तो उसको क्या कर देना घटा देना अगर चिन्ह विपरीत मिलेंगे तो उसको जोड़ देना यही आपको याद रखना है तो चलिए हम लिखें दो से गुड़ा करने पर अगर इसको हम करते हैं ठीक है या ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट अगर करना चाहो कि दो से गुड़ा करने पर तो गुड़ा कराइए इसमें कितना हो जाएगा तो ये दो से गुड़ा कराओगे टू एक्स हो जाएगा इसमें गुणा कराएंगे तो टू वाई और इसमें पान दूनी दस हो गया ये हो गया ये इतना कराने के बाद सेकेंड समीकरण इसके नीचे लिखिए जब आप लिखोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा टू एक्स और माइनस थ्री वाई और फिर क्या कर दे या ऐसे भी लिख सकते हैं इनको हम समीकरण भी मान सकते हैं हम ऐसे मान लेते तब भी हमारे लिए इसको समीकरण आपने क्या मान लिया तीन मान लिया जब ये दोनों आपस में क्या हो बराबर हो गए ना अब देखो ये वाला समीकरण इसका रूप ले लिया जब ये बराबर हो गया तब आप क्या करो उसको आप फर्स्ट वाले को बोल जाइए जब फर्स्ट वाले को भूल जाने के बाद अब इन दोनों को देखो यहां पर भी प्लस है और यहां पर प्लस है अगर आपको कहीं भी मिलेगा याद रखना अगर समान चिन्ह मिले समान चिन्ह मिलेगा तो आप क्या करोगे उसको घटाएं घटाना पड़ेगा अगर विपरीत चिन्ह मिलेगा तो आप क्या करोगे विपरीत अगर चिन्ह मिलता है तो उसको क्या करना है आपको जोड़ देना है यही याद रखना है कि घटाना है समान चिन्ह मिलने पर तो आप क्या करिए ये देखिए समीकरण कौन सा है सेकंड है ये समीकरण थर्ड तो देखो थर्ड आप ऐसे लिख दीजिए और माइनस क्या करिए समीकरण सेकंड अभी हमने कहा ना कि इन दोनों को घटा यानी जो आए उसमें गुड़ा कराने के पश्चात चाहे फर्स्ट में गुड़ा कराने के बराबर हो जाए तो फर्स्ट में गुड़ा कराइए अगर सेकंड में बराबर गुड़ा कराने हो जाए तो बराबर गुड़ा करा दीजिए इनमें क्या होता है कि अगर दोनों का अब इसमें हमने नहीं गुड़ा कराया क्यों नहीं गुड़ा कराया क्योंकि अगर इसमें गुड़ा करा दोगे तो एक से गुड़ा हुआ ना समझ में इसका एक है यहाँ दो है एक और दो का लाशा लोगे कितना दो आएगा जब दो आएगा तो अब दोनों को यक्स को बराबर करना है तो यक्स से दो से गुड़ा कराए दोनों बराबर हो गए ना अब दोनों को घटा दो तो ये लिख सकते हैं कि टू एक और प्लस टू वाई बराबर कितना टेन और इसके नीचे ऐसे लिख दो टू एक्स और माइनस थ्री वाई बराबर कितना फोर हो गया अब क्या करोगे दोनों को आपको क्या करना है घटाना है तो घटा दीजिए यहाँ लिख देंगे घटाने पर जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समय का चिन्ह चेंज कर दें माइनस वाले को प्लस कर देना ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया देखो ये इससे कट गया अगर ये इससे कट गया तो आप देखिए कितना हो जाएगा अगर इनको घटाएंगे ये दो था और ये कितना था तीन था तो अब इनमें प्लस था यहाँ पर प्लस था इन दोनों को क्या कर दी जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर कितना आएगा अगर जोड़ेंगे तीन दो पाँच वाई और ये हो जाएगा दस में से चार घटाएंगे क्योंकि जब चिन्ह बदल जाता है हमेशा अगर यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा ये माइनस था तो प्लस तो इसीलिए तीन दो पाँच हो गया और दस में से चार घटाओ कितना छः आ गया तो वाई बराबर सिक्स बाई कितना भाई गया ये वाई का मान आ गया जो हमें ज्ञात करना था तो ये वाई का मान आ गया अब इसके बाद क्या करते हैं वाई का मान चाहे समीकरण इस सेकेंड फर्स्ट में रखो या सेकेंड में जैसे हम पीछे करते थे तो वैसे करेंगे तो देखो वाई का मान मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा आपने पढ़ा था एक्स प्लस वाई और बराबर कितना फाइव तो यक्स का मान ज्ञात करना वाई का मान देखो सिक्स बाई फाइव बराबर कितना हो जाएगा ये फाइव अब हम क्या करें इसको यक्स की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा फाइव माइनस सिक्स बाई फाइव इसको इससे गुड़ा कराओ तो पचवन पच्चीस और माइनस सिक्स बटे कितना हो जाएगा फाइव आप घटाइए इसमें से जब आप घटाएंगे तो x बराबर कितना 25 में से 6 घटाओगे कितना 19 बटा पाँच ये इसका आंसर होगा अब ये आंसर सही है कि गलत है तो उसको भी आप चेक कर चेक कर सकते हो कहीं भी रफ्तार में आपको तो उत्तर की जांच कर लीजिए उत्तर की जांच कर लीजिए जब जांच करोगे कि आंसर सही है कि गलत वो हमेशा आपको पेपर में पता चल जाएगा तो चलिए यही समीकरण था रख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर फाइव तो चलिए एक्स की वैल्यू रखो उन्नीस बटा कितना पाँच y की वैल्यू कितना छः बटा पाँच तो ये कट जा इसको जोड़ेंगे तो उन्नीस छः कितना पच्चीस बटे कितना पाँच पाँच से पाँच कट गया तो पाँच आ गया कि नहीं पाँच हमें लाना था तो ये पाँच था तो ये पाँच लाना था इसलिए आंसर क्या है करेक्ट है एक में करेक्ट है तो दूसरे में भी करेक्ट होगा आप ऐसे इसको चेक करना चाहते हो तो इसमें भी चेक कर सकते हो अगर इसमें भी चेक कर लोगे तो आ जाएगा चलिए इसमें भी चेक कर देते हैं उन्नीस बटा कितना 5 और माइनस तीन गुड़े छह बटा पाँच उन्नीस दूना कितना अड़तीस बटे पांच और छेत्री कितना अट्ठारह बटे पांच घटाओ तो ये बीस बटा हो जाएगा 5 पाँच चौ कितना बीस देखो चार आ गया ना चार लाना था तो ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान देना कि ऐसे ही सॉल्व करना है ठीक है गुणांक कैसे बराबर करने हैं अगर एक्स को बराबर कर रहे हो ये वाला गुणा इससे करा दो और इसका वाला गुणा इधर करा दो हमेशा बराबर हो यहां एक्स के गुणांक में कुछ नहीं था इसलिए हमने क्या कर? इसी इसके गुणांक को यहां गुणा करा दिया तुरंत बराबर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको हम रफ कर देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको बहुत ज़्यादा टिपकल नहीं है कि टिपकल है बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखने के पश्चात तो उसको पहचानिए तो, तो आसान क्वेश्चन लिया था अब थोड़ा सा देख लेते हैं टिपकल क्वेश्चन कौन सा है उसको ले लेते हैं और आपको आसानी से सॉल्व हो जाए देखो लिखा हुआ है अगला अगला क्या लिखा हुआ है कि इसी में चलिए आप सॉल्व भी कर सकते हो सेकंड नंबर छोड़ देते हैं आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हम बता भी देते हैं सेकंड नंबर लिखा हुआ है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल कितना लिखा हुआ है कि माइन टेन लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल कितना हो जाएगा टू हो जाएगा अगर आप ध्यान दो इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट ये सेकंड अगर हम सबसे पहले ध्यान दें ये तीन इसको इधर गुड़ा कराओ इसको ये बराबर लेकिन एक आसान भी वैल्यू वाई को भी तो बराबर कर सकते कैसे अगर इसमें दो से गुड़ा करा दो तो दो दूनी चार आ जाएगा कि नहीं क्योंकि इसको चार यहां चार लाना है आपको वाई का तो कैसे दो से गुड़ा करा दो तो हम क्या करते हैं समीकरण दो में दो से गुड़ा अगर आप गुड़ा कराओगे तो ये कितना दो धोनी चार एक्स हो जाएगा और ये कितना फोर वाई और ये कितना फोर हो जाएगा इसको आप मान लीजिए चार तीन हो गया जब ये बन गया तो अभी हमने कहा था कि अगर समान चिन्ह है तो घटाना है और विपरीत चिन्ह है तो आपको क्या करना है जोड़ देना है तो आप क्या करिए इसको हम ले लिया तो आप इसको मत लीजिएगा नहीं तो वही फिर से ले लीजिए इसके बाद फर्स्ट वाले कुछ किया नहीं तो आप उनमें क्या कर दीजिए कि इसको जोड़ दीजिए यानी फर्स्ट प्लस कितना थर्ड जब थर्ड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स और प्लस फोर वाई इक्वल कितना टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर एक्स और माइनस फोर वाई इक्वल कितना फोर देखो ये इससे कट गया क्योंकि समान है अब हम इसके लिख देते हैं जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलते जोड़ने पर तो ये चार और तीन कितना हो जाएगा और दस में चार जोड़ो कितना चौदह तो बराबर कितना चौदह बट्टे सात सात दो चौदह तो देखो एक्स का मान कितना निकल गया आप देखो आसानी से निकल गया एक्स का मान दो निकल के आ गया जब एक्स का मान दो निकल गया तो इसको किसी समीकरण में रख दीजिए चाहे फर्स्ट x तो बराबर दो सम्यकरण किस में रखने पर एक में रखने पर एक में रखने पर तो एक कितना था देखो एक था थ्री एक्स प्लस फोर वाई हाँ बराबर टेन तो कितना था थ्री एक्स प्लस फोर वाई हाँ इक्वल कितना टेन हो जाएगा तो तीन गुड़े कितना दो और प्लस फोर वाई हाँ और इक्वल कितना हो जाएगा टेन तो तीन दूनी छ प्लस कितना फोर वाई और इक्वल टेन हो जाएगा तो फोर वाई बराबर कितना टेन माइनस सिक्स हो जाएगा तो घटाइए इसको तो वाई बराबर कितना दस में से छः गया चार ये इधर गुड़े में ये आएगा चार में चार चार कट गया तो वाई बराबर कितना आ गया वन आ गया तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है उत्तर आप कभी भी चेक कर सकते हो तो उत्तर इसमें नहीं चेक कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको रफ करके ये आपको समझ में आ गए इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी अब कोई समस्या होगी फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर या थर्ड देख ले चाहे फोर्थ देख ले लेकिन आपको थर्ड बताते थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए हम क्या करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लिखा हुआ है थर्ड नंबर कि थ्री एक्स माइनस फाइव वाई और माइनस फोर बराबर जीरो ठीक अगर आपको ध्यान से देखो इसको संशोधन कर सकते हो गिनती को हमेशा राइट साइड में करो तो हम लिख सकते हैं ये थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल कितना फोर अब आप इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए ठीक अब तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया ध्यान से देखो तथा कितना लिखा है कि नाइन एक्स बराबर टू वाई और प्लस कितना सेवन तो हम क्या करेंगे जो एक्स वाई के पद होंगे उसको बाएं साइड ले आए अगर इसको बाएं साइड ले आएंगे तो ये कितना टू वाई इक्वल कितना सेवन आ गया आपको क्या करना है बिलोपन विधि से हल किससे हल करना है चलो एक तरीका और बात बिलोपन विधि विधि से हल हमें यही करना है कि विलोपन भी, भी से अब हम क्या करें तब कि हम यहाँ तीन से देखो एक को बराबर करना चाहो तो फर्स्ट और ये वाला समीकरण मेन है ये मेन है इन्हीं दोनों को ध्यान देना है अब इसमें क्या कर दे तो देखो तीन से गुड़ा करा बराबर हो जाएगा वो कर सकते हैं लेकिन एक और आपको सिखा रहे हैं अगर कभी ऐसा ना हो पाए तो कैसा करोगे अब वाई को हम बराबर कर रहे हैं वाई को समान करेंगे तो यहाँ वाई कितना है देखो फाइव वाई यहाँ पर टू वाई तो हम इन दोनों का लाशा ले लो अगर पाँच और दो का लाशा लेते हैं एल्शियम ले लेंगे एल्शियम पाँच और दो का कितना होगा पाँच और दो का एल्शियम लोगे तो कितना हो जाएगा पानदूनी दस हो जाएगा क्योंकि अभाज गुड़नखन है दस हो जाएगा अब बताइए इसमें कितने से गुड़ा करा दे दस आए तो आप कहोगे कि जो वाई का गुणांक है इधर गुड़ा करा दीजिए और फिर इसके बाद जो यहाँ पर वाई का गुणांक फाइव है इसको इधर गुड़ा करा दीजिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण एक में समीकरण एक में किससे से गुड़ा दो से गुड़ा तभी तो दस आएगा हमें दस लाना है तो गुड़ा कराइए जब इसको गुड़ा कराओगे दो से तीन दूनी छः एक्स और पाँच दूनी दस वाई और इधर भी गुड़ा कराएंगे चार दूनी आठ इसको आप मान लीजिए समीकरण थर्ड फिर क्या करिए अब देखो दूसरे वाले समीकरण किससे गुड़ा कराएंगे दस लाना है तो हमें वाई को बराबर करें तो किससे से पाँच से गुड़ा तो यहाँ पर लिख दो किस समीकरण दो में पाँच से गुड़ा तो पाँच से गुड़ा करने का मतलब दोनों पक्षों में आप गुड़ा कराएंगे जब आप गुड़ा कराएंगे तो देखो कितना हो जाएगा पाँच से गुड़ा कराओगे नौ पचे कितना पैंतालीस एक्स पान दूनी दस वाई और सात पचे कितना पैंतीस हजार ये समीकरण फोर्थ बन गया अब आपको ऊपर वाले नहीं ध्यान देने हैं ये तो केवल हम बराबर कर लेते हैं जब बराबर कर लिए तब इसके बाद क्या करेंगे बराबर करने के बाद अब हम देखेंगे ये दोनों बराबर देखिए इसमें गुणांकन हमने क्या कर लिया एक्स वाई के गुणन आपस में बराबर कर लिए कि एक्स वाई के गुणन थे ये दस और ये दस अब क्या करें ये माइनस ये माइनस तो हमने यही बताया अगर समान चिन्ह मिले तो आपको क्या करना है घटाना है तो थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दीजिए घटा दीजिए थर्ड माइनस फोर्थ ये हम ऐसे लिख देंगे इसको यह ऐसे लिखा जा सकता है कि समीकरण तीन में से चार को घटाने पर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो तो चलिए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा अगर आप घटाएंगे तो ये देखो सिक्स एक्स और माइनस टेन वाई इक्वल कितना एट हो जाएगा फिर ये लिखिए 45x minus 10y और इक्वल कितना होगा 35 आपको क्या करना है घटाना है तो लिख देते हैं ऐसे घटाने पर जब आप घटाओगे तो हमेशा भी पीछे बताए थे चिन्ह नीचे का ऊपर का नहीं नीचे का तो ये माइनस क्योंकि प्लस है यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो ये माइनस अब 45 में से छः घटाओगे तो कितना 39x ये माइनस हो जाएगा ये तो आपस में कट गया यहां पर बचा पाँच में से यानी पंद्रह में से आठ घटाओगे तो कितना सात और दो बचा यहाँ पे माइनस बढ़ा इसलिए तो एक्स की वैल्यू निकालो तो ये देखो माइनस सत्ताइस बटे कितना आ गया माइनस उन्तालीस तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बा काटिए इसको जब हम काटेंगे तो कितना कटेगा ये तीन नवा सत्ताईस तीन एक के तीन और तेरह तीन तरीका नौ तो देखिए एक्स बराबर कितना आ गया नाइन बाई थर्टीन आ गया ये एक्स की वैल्यू आ गई अब एक्स की वैल्यू हम इसमें थर्ड और फोर्थ में नहीं रखते रखोगे तब भी आ जाएगा लेकिन हम क्या करें फर्स्ट में रखिए सेकंड में रखिए तो चलिए हम फर्स्ट में रख देते हैं लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल कितना फोर तो यहां पर लिखते हैं एक्स का मान एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यह तो आप पहले भी करते थे प्रतिस्थापन विधि में कितना था थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल कितना फोर ये इतना था जब आपको इतना था तो आप क्या करना बैलू रखो अभी आंसर दे देगा तो ती ये तीन गुड़े कितना नौ बटा तेरह और माइनस फाइव वाई इक्वल कितना फोर तो नौ थ्री कितना सत्ताईस बटे तेरह हो जाएगा और माइनस फाइव वाई इक्वल कितना फोर हो जाएगा अब इसको राइट साइड लेके जाओ अगर आप राइट साइड ले जाओगे तो ये कितना माइनस फाइव वाई गिनती को ले जाएंगे तो चार माइनस कितना सत्ताईस बटा तेरह हो जाएगा तेरह चौको बावन तो फाइव वाई अगर आप घटाओगे तेरह चौको कितना बावन हो जाएगा क्योंकि ये इससे गुड़ा होकर फिर ये घट जाता है ट्वेंटी सेवन और बाई कितना थर्टीन ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा अब आप घटा दीजिए जब घटाएँगे कि और y बराबर कितना हो जाएगा बारह में से सात गया पाँच एक हासिल हम दे दिए उधर तो चार चार में से दो गया दो और बटे कितना माइनस पाँच और गुड़े कितना तेरह ये माइनस पाँच गुड़े में राइट right साइड ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा पाँच इक्के पाँच और पचों पच्चीस तो देखिए वाई बराबर कितना माइनस ये माइनस ऊपर कर दीजिए और पाँच बटे कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा ये इसका मान हो गया अब उत्तर की जांच आप कर सकते हो अगर इसमें रख लोगे तो उत्तर की जाँच आप आसानी से कर सकते हो चलिए फिर आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन विलोपन विधि क्या है कैसे सॉल्व करते हैं इसको रफ करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हम ये मान लेते हैं कि आप लगभग लगभग लग समझ चुके उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई प्रॉब्लम होगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसा है और उसको बताते हैं कि उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं जूम कर देते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी ऐसे है आप इसको सॉल्व कर लोगे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फोर्थ नंबर में आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते कर हो चलिए क्वेश्चन नंबर हम थ्यूरी मॉडल यानी थ्योरी मॉडल दिया अनुप्रयोग इसको तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन जैसे कह रहा वैसे पढ़ लीजिए और समझ कर लीजिए और अगर आप एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाना फोर्थ नंबर तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज का हाँ नहीं सॉल्व कर पाए पढ़ो करण निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग बनाए उनके हल यदि अस्तित्व में हाँ तो बिलोपन विस्याल करना यानी सबसे पहले समीकरण बनाना समीकरण बनाना यदि अस्तित्व में होगा तो बिलोपन विस्याल करना तो देखते हैं सबसे पहले कहा गया यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटा दो हो जाते तो अभिन्न ज्ञात की तो माना किसी भिन्न में आपको बताया था पीछे वाले लेक्चर में कि भिन्न में हमेशा अंश और हर होता है तो हमें मानना पड़ेगा माना भिन्न का अंश तो अंश को यक्स मान लो और ये कितना हो जाएगा हर बताइए ये वाई हो तो आप बताइए भिन्न क्या निकल के आएगी ये हमें ज्ञात करना था भिन्न एक्स बटा वाई ये हो गया अब प्रथम शर्त पे आ जाओ जो कहा जाए उसको आप क्या कर दो फॉलो कर दो अगर हम प्रथम शर्त को ध्यान देते हैं तो प्रथम शर्त क्या कहता है यदि अंश में एक जोड़ दे तो अंश कितना यक्ष है अब प्लस एक जोड़ो हमने जोड़ दिया फिर कह रहा है तथा हर में एक घटा दें तो हर कितना था वाई एक घटा दो तो एक घटा दिया फिर कह रहा है तो भिन्न एक में बदल जाता है एक में बदल जाने का मतलब बराबर एक हो जाएगा अब आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इधर क्रॉस गुड़ा करा दीजिए तो ये चाहे ब्रेकट में करना चाहो तो ब्रेकट में कर दो ये x प्लस वन ये उस तरफ जाएगा वन गुड़े कितना y माइनस वन हो जाएगा अब हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और बराबर कितना वाई से माइनस वन से गुड़ा करो इधर तो यक्स वाले पद को एक तरफ कर लो और वाई वाले पद को गिनती को एक तरफ तो यक्स इधर लाएंगे माइनस वाई ये माइनस वन और माइनस वन इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा यानी एक्स वाई के पद को एक तरफ गिनती को एक तरफ एक्स माइनस वाई बराबर कितना माइनस टू इक् क्या बन गया फर्स्ट बन गया छोड़ दीजिए फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि दूसरी शर्त जो कह रहा है उसको फॉलो करो दूसरी शर्त जो कहता है उसको फॉलो करो क्या कहा गया कि यदि फिर आगे देखो कहा गया यदि हर में एक जोड़ दें आपके अंश में नहीं जोड़ना है केवल हर में जोड़ना है यदि हर में एक जोड़ दें तो यक्स बटा वाई था और कहा हर में एक जोड़ दें तो यहाँ एक जोड़ दो तो ये किस में बदल जाता वन बाई टू में बदल जाता है अब वन बाई टू में बदल जाता है तो आप जानते हो इनको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इसमें ये वाली वैल्यू इधर गुड़ा करा दो ये वाली वैल्यू इधर गुड़ा करा दो जब इसको आप गुड़ा कराएंगे टू से एक में तो ये टू एक्स हो जाएगा और वन से किसी भी नंबर में गुड़ा कराने पर उतने ही आ जाएगा वाई प्लस वन अगर ना समझ में आए तो गुड़े एक लिख दो तो ये हो जाएगा टू एक्स और इसको लिख सकते वाई प्लस वन हमने एक ही चीज़ कहा था एक्स वाले वाई वाले को पद को एक तरफ यानी लेफ्ट साइड रखे यह बराबर कितना वन हो जाएगा इसको एक क्वेश्चन क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए अस्तित्व में है कि नहीं है अस्तित्व में आपने पीछे आपको बताया था संगत होंगे तो अस्तित्व में होगा अगर संगत नहीं होंगे तो अस्तित्व में नहीं होगा यानी असंगत होंगे अब आप देखो ध्यान से क्या कोई पद बराबर हो रहे हैं हमें किससे हल करना है विलोपन विद से हल यानी किससे हल करना है विलोपन विधि से हल किससे हल करना है कि विलोपन विधि से अगर आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है इसमें आपको विलोपन विधि से हल करना है अगर विलोपन विधि से हल करना है तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को जो आपको दिया गया है इस स्थिति में हमें दोनों पे यहाँ y है और ये y है दोनों समान है तो हम लिख सकते हैं इनको दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दी, घटा दीजिए जब समान हो तो आपको कुछ नहीं बराबर दोनों में यक्स को बराबर करो दो से गुड़ा कराना पड़ेगा लेकिन इसमें दो से नहीं गुड़ा कराना है इसको क्या करना है आपको इस स्थिति में केवल वाई को बराबर करना है अगर वाई को बराबर करना है तो वाई आपस में पहले ही बराबर है तो हम क्या कर देते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा और फिर लिख दीजिए टू एक्स माइनस वाई इक्वल कितना वन हो जाएगा ये देखो ध्यान से माइनस टू है कि प्लस टू है तो ये माइनस टू है तो हमें क्या करना है घटाना है तो हम घटा देते हैं जब इसमें क्या करेंगे घटाना है तो लिखते हैं घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस अब जब ये प्लस हो गया तो आप देखो ये कट जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस दो एक्स में से एक एक्स घटाओगे तो माइनस एक्स आएगा और इसमें से माइनस माइनस कितना जुड़ जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर कितना आ गया तीन आ गया अब एक्स का मान समीकरण दो में रख दो या एक में रख दो तो लिखते हैं एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर एक में रखोगे तब भी आएगा इसीलिए हम क्या करते दो में रखते हैं तो ये कितना है टू एक्स माइनस वाई बराबर वन तो यहाँ पे रखो कि दो गुड़े तीन और माइनस कितना वाई बराबर एक तीन दूनी छः और माइनस कितना वाई बराबर एक अगर छः को राइट साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस वाई वन माइनस सिक्स तो घटाइए माइनस वाई और माइनस कितना फाइव तो ये माइनस माइनस क्या कट जाएगा प्लस तो वाई बराबर कितना फाइव निकल गया ये हमारा क्या है आंसर हो गया तो हमें निकल गया एक्स और वाई का मान लेकिन भिन्न पूछा है तो भिन्न क्या लिख सकते हैं अगर आप देखोगे तो भिन्न क्या लिखा था एक्स बटा वाई अगर एक्स बटा वाई था तो एक्स का मान तीन था और वाई का मान कितना था देखो पाँच है ये आंसर हो गया अब इसका आंसर की जांच करना चाहो तो जैसे क्वेश्चन था वैसा आप पढ़ लो अभी आंसर आ जाएगा यहाँ रख के चेक करना चाहो तो रख के चेक कर लोगे तुरंत आ जाएगा आपका आंसर जैसे x का मान कितना आया था तीन y का मान कितना आया था पाँच अगर इसमें कहा अंश में तीन बटा पाँच था अंश में एक जोड़ दिया जाए एक जोड़ दो हर में एक घटा दो तो कितना चार बटा चार आ गए इसको काटोगे तो कितना एक आ जाएगा यदि इसमें तीन था और हमसे कहा गया दूसरा एक हर में जोड़ दे तो पाँच में एक जोड़ो तो छः हो जाएगा तीन बट्टा छः बराबर एक बट्टा दो आ गया ना तो ऐसे आंसर को चेक कर लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिलते हैं आपको ऐसे थ्योरी थ्योरीटी माटल आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो थ्योरी मिलेगी उसको ध्यान से पढ़िए जो चीज़ कहा जाए एक्स और वाई मानिए दो ही वैल्यू कहा जाएगा दोनों वैल्यू एक्स और वाई मानिए और अच्छे से सॉल्व कर दिए तो यही मेथड है इसको आप सीख चुके थे विलोपन बस समीकरण बनाना थोड़ा टिपिकल है इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे अच्छे से पढ़ते रहिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो देख लें थैंक यू सो मच